नमस्कार सक्षम न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के बाकी सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 की रोकथाम संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की व्यवस्था लागू की जाए और आवश्यकता अनुसार घर से काम करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि संक्रमित पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 दिनों के वेतन सहित अवकाश दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो और जांच के बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है, लेकिन सेकेंड वेव की तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। अब तक के जितने भी कोविड पॉजिटिव के केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक आए हैं, हमारे पास इस समय 33,900 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। आज सुबह तक के ये 33,900 में से 99% मामले ऐसे हैं जो जिसमें ज़्यादातर असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। RT-PCR की जांच कराने के बाद उसमें ये मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है। हर जनपद में हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे कार्य कर रहे हैं और ICCC के माध्यम से हर कोविड पॉजिटिव के साथ संवाद बना करके उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, उन्हें दवा आदि उपलब्ध करवाना और आवश्यक जो भी शासन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सबका सफलतापूर्वक घर में उपचार हो रहा है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा। प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने कहा कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक यानी DGP, NIA के पुलिस महानिरीक्षक यानी IG, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि शीर्ष अदालत लॉयर्स वॉइस की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। अब बात करते हैं गोवा की राजनीति की। गोवा के मंत्री और भाजपा के विधायक माइकल लोबो ने प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के साथ ही विधानसभा के सदस्य के तौर पर भी सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा अगले महीने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। अब तक केलन गुटे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोबो ने मुख्यमंत्री कार्यालय और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपा है। राज्य अपशिष्ट प्रबंधन विभाग का प्रभार संभाल रहे माइकल लोबो ने संवाददाताओं से कहा, मैंने दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं देखूंगा कि आगे मुझे क्या कदम उठाने हैं। मैंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर लोबो ने कहा कि उनकी अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। टुडे आई हैव रिजाइंड एज अ मिनिस्टर इन दिस कैबिनेट एंड इलेक्शंस आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस एंड वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस एंड आई I am quite sure people, constituents of
कलांगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वील रिस्पेक्ट माई डिसीजन व्हाट आई हैव टेकन जस्ट नाउ टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट एंड दे विल गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम बैक अगेन एज द MLA. आई एम going to resign also as an MLA today and I will see what next steps to be taken. It's still not totally finalized what step needs to be taken, but I'm in talks with other political parties. Time will say. It has been quite a good long journey with BJP. After 15 years, I am going to resign today as a MLA and as a member of Bharatiya Janata Party. And I was quite upset the way we are all looked at. Especially the Karyakartas, the grassroots level workers are unhappy with the party. हम आपको बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि गोवा विधानसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव 14 फरवरी को होंगे। गोवा के सियासी घमासान में इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच माना जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।